जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी पार्टियों के नेता पब्लिक के बीच में जाकर जन समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी प्रत्याशी श्वेता कमल खत्री के समर्थन में नरेला विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कार्य किया है, अगर उसी तरह नगर निगम में भी आपकी सरकार आती है तो निगम का नक्शा ही कुछ और होगा। 15 साल हो गए बीजेपी की सरकार को एमसीपी में, कोई कह सकता है कि बीजेपी में सफाई कराई? कूड़ा और कूड़े के पहाड़ दोनों दिल्ली की पहचान बन चुके हैं, और नरेला वालों के लिए तो खास तौर से, क्योंकि नरेला का कोई आदमी जब शहर जाता है दिल्ली की तरफ गांव से, तो सबसे पहले उसे कूड़ा मैया के दर्शन करने पड़ते हैं। शहर में दाखिला तब मिलता है, पहले कूड़ा मैया के नमस्ते करके जाना पड़ता है। ये बीजेपी की खड़ी गई की गई कूड़ा मैया, इसको खत्म करने का समय आ गया, इसको खत्म करने का समय आ गया कि नहीं आ गया? तो अब की बार जब जाओगे, देखो 4 तारीख को आपने बताया चुनाव है, 7 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, चारों तरफ केजरीवाल सरकार एमसीबी में भी इसके नारे लग रहे पूरी दिल्ली में। तो इस बार एमसीबी में केजरीवाल सरकार आने वाली है, और केजरीवाल जी ने जैसे पहले कहा था 2015 में कि बिजली फ्री करूंगा, जैसे कहा था स्कूल अच्छे करूंगा, इस बार केजरीवाल जी ने कसम खा ली है कि इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करूंगा। क्या कुछ आश्वासन देकर गए मनीष जी? जनता को आश्वासन नहीं, जनता को कहा कि वोट दे झाड़ू पे, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही हो तो एक नंबर वार्ड ज्यादा से वोटों से जीत के एमसीडी से बोलो में कुछ बदलाव आएगा? एमसीडी में सारा बदलाव आएगा, आम आदमी पार्टी के आते ही बदलाव आ जाएगा एमसीडी में, सारी सफाई व्यवस्था ठीक होगी। का प्रोग्राम है, और इसमें हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी और हमारे माननीय शरद चौहान जी एमएलए साहब आ रहे हैं। मनोबल बढ़ेगा हम सभी का, और आपको पता ही होना चाहिए वो पूरे दिल्ली के नहीं, पूरे इंडिया के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री भी रहे हैं साथ में, और डिप्टी सीएम साहब, और उनके कामों का यहाँ यानी विदेश में भी टंका बजा हुआ उनके काम, और जो एमसीडी स्कूल है उनका भी स्तर हमें सुधारा जाएगा कि दिल्ली जो दिल्ली सरकार स्कूल है उनके स्तर पर, मतलब मनीष सिसोदिया जी का ना मेन मकसद है एमसीडी की जो शिक्षा प्रणाली उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए जो प्राइमरी स्कूल है वो बच्चों की अपनी नींव होती है, तो जब नींव कमजोर रह जाएगी तो उसको कैसे करें, तो हमें नींव को थोड़ा बदलना है और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है। मनीष जी, सिसोदिया जी ने कहा कि हम एमसीडी में आएंगे तो बदलाव लाएंगे, ये जो नरेला में ये जो साफ सफाई है इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 4 तारीख को 4 नंबर का बटन है श्वेता खत्री जी को, उनको लेके आओ और अपने एमसीडी में बदलाव पाओ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं स्कूल कैब ड्राइवर हूँ। नरेला में जाम की बहुत समस्या है, मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी तरह इस जाम का निस्तारा हो, और सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है कि झाड़ू पे बटन दबाए और कि सविता खत्री को जिताए। मेरे भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो ये कहते हैं कि कमल भाई को एक बार मौका मिलना चाहिए। गौरी शंकर जी, हाँ जी, मनीष जी जो है बहुत बढ़िया बात कह के गए हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि एमसीडी में अगर जो आपके केजरीवाल जी की सरकार आएगी तो आपको जो है ना यहाँ का कार्य जो है दिखाई देगा। 15 साल से वो हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवा कूड़े के, और ये जो बच्ची खड़ी है यहाँ से, ये बहुत ही जो है कर्मठ और बहुत ही अच्छे परिवार से है, और भगवान इनको कामयाबी दे, हमारा ये याद है।